हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलते लड्डू शड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। सो अभी आपको लड्डू खाने के लिए बच्चे होने की नीड नहीं है, और ना ही आपको लड्डू खाने के लिए हैप्पी बर्थडे होने की नीड है। यानी आपका बर्थडे होना ज़रूरी नहीं है, आप जब चाहो तब लड्डू खा सकते हो। छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए बेनिफिट है ये लड्डू। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रेयादीप ब्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? एंड आप सबको श्रेयादीप ब्लॉग्स की तरफ से, यानी मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गोकुलाष्टमी की आप सबको बहुत 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 सारी बधाई। सो आज का जो ब्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है, बेसिकली आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बंदी ने अगर लड्डू दिखाया है मतलब रेसिपी लड्डू की है। जब भी लड्डू की बात आती है याद आता है छोटा भीम। सो बचपन में मेरा वन ऑफ फेवरेट कार्टून हुआ करता था छोटा भीम, एंड अभी तक का जो फेवरेट कार्टून है वो है डोरेमोन। डोरेमोन ये उम्र में आके स्टिल कौन डोरेमोन वॉच करता है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, आज की जो रेसिपी है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है और ट्रेंड में चल रही है, यानी ड्राई फ्रूट लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा है हेल्दी, बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी के लिए बेनिफिट, आपके हेयर के लिए बेनिफिट, एंड इसके हैं बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि हम आगे जानेंगे। तो चलो अभी तो टाइम वेस्ट नहीं करना है और सीधा चलना है किचन की तरफ, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी है एंड क्या क्या चीज़ें लगनी है ये भी देखना बाकी है। तो बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू एंड स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास जो है आप देख सकते हैं खजूर लिया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग खजूर को ग्राइंड कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ हमारे यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने काले वाले खजूर लिए हैं, एंड आप देख सकते हो मैंने ये वाले ब्रांड के जो है खजूर लिए हैं। तो मैंने ये जो पैकेट मैंने लाया था ये मैंने पूरा डब्बा में इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको पहले पीस लेती हूँ मिक्सर में डाल के, ताकि मैं इसको बाद में बना सकूँ। तो बाकी की जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं इसको पीस के ले लेती हूँ एंड देन आपको ग्राइंड करके बता देती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से आप देख सकते हो मिक्सी में डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। सो अभी हम लोग जो है लड्डू का प्रॉपर प्रोसेस जो है ये स्टार्ट करते हैं, एंड क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये मैं जैसे जैसे डालते जाऊँगी आपको वन बाय वन सारी चीज़ें मैं शो करते जाऊँगी। तो चलो लेट्स मेक, स्टार्ट करते हैं अपने लड्डू बनाना, एंड मैं आपको सारी इन्ग्रीडियंट्स जो है वो सारी एक साथ बता भी देती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली है, एंड मैं आपको बता देती हूँ मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं मैंने ये वाली वाटी के नाप से जो है ली है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे खजूर है जो कि मैंने आपके सामने ही इसको ग्राइंड किया था। इसके बाद जो है मैंने आधी ये वाली वाटी का नाप लेके मैंने जो है यहाँ पर आधी वाटी जो है सफ़ेद तिल लिया है, एक वाटी जो है पम्पकिन सीड्स लिया है, एक वाटी जो है यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स है, इसके अलावा एक वाटी काजू है, एक वाटी जो है यहाँ पे आलसी रखी हुई है, एक वाटी जो है यहाँ पे बादाम चॉप किए हुए रखे हैं, एक वाटी जो है यहाँ पे किशमिश है, एक वाटी सूखा नारियल लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आधी वाटी जो है मैंने खसखस लिया है। इसके अलावा जो है हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं घी का, तो असली घी का यूज़ करेंगे। तो चलो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स जो मैंने बता दिए हैं अब हम लोग इसको जल्द से जल्द बनाना स्टार्ट करते हैं। सो कढ़ाई मैंने जो है यहाँ पर चढ़ा दी है, एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती थी, इसके अंदर जो है मैं एक्स्ट्रा में जो है इलायची की पाउडर ऐड करने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो है हम लोग अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना इसको हम लोग जो है पहले से हल्का सा जो है रोस्ट करके ले लेंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है एक से दो टीस्पून जो है असली घी का यूज़ करना है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो अपने ड्राई फ्रूट्स जब आप रोस्ट करेंगे ना तो उसको जितना हो सके उतना धीमी आँच पे, यानी एकदम मीडियम आँच पे रख के आपको उसको ड्राई रोस्ट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं वन बाय वन करके सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, एंड मैं मेक श्योर करूँगी कि सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इक्वल अमाउंट में जो है रोस्ट करूँगी। तो ये प्लेट मुझे काम आएगी बाद में मेरे ड्राई फ्रूट्स को रखने के लिए। तो मैं अभी इसको जो है एकदम हल्के हाथ से जो है अच्छी तरीके से इन सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है हमें रोस्ट कर लेना।
तो यहाँ पे मेरे पास जो खसखस रखा है ये ऑलरेडी रोस्टेड खसखस है, तो इसको मुझे जो है रोस्ट करने की नीड नहीं है, तो मैं इसको नहीं डालूंगी, एकदम एंड में मैं इसको यूज़ करूँगी। ओके सो गाइस, ये अभी जो है मैंने तकरीबन जो है इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। सो अभी जो है मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ किशमिश। तो क्योंकि मुझे किशमिश को भी ज़्यादातर जो है रोस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ आपको भी पता है कि किशमिश अगर ज़्यादा रोस्ट हो जाती है तो वो एकदम से फूल जाती है, तो इस वजह से मैं इसको एकदम हल्के हाथ से ही रोस्ट कर रही हूँ। गैस को जो है आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उसको मीडियम आँच पर ही रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ आँच पर जो है मेक श्योर कीजिएगा कि तेज़ आँच पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर अभी खसखस इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही हम लोग जो है नारियल का जो गुरादा है वो ऐड कर देंगे। सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसको और थोड़ा सा भून लेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। सो गाइस, ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी मैंने ऐड किए हैं ये सब कुछ रोस्ट हो गए हैं, तो मैं इसको भी पहले निकाल लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देख लीजिए मेरे ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। इसको अभी हम लोग करेंगे साइड एंड देन हम लोग जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि इस लड्डू को जो है अच्छी तरीके से बाइंडिंग एंड प्लस जो है मिठास देगा खजूर, उसको हम लोग जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आई मीन हमें हल्का सा जो है उसको भी फ्राई करना है, तो मैं फिर से जो है 1 टीस्पून के आसपास जो है भरकर जो है डालेंगे हम लोग घी एंड अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ खजूर। ये खजूर को आपको ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। इसमें अगर आप चाहो तो ड्राई अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया है, तो मैं अभी गैस जो है ऑफ कर रही हूँ और इसको जो है हम लोग निकाल लेंगे। सो गाइज़ मैंने ना यहाँ पे बड़ी बड़ी परात ली है, परात इसलिए ली है ताकि सारी चीज़ें जो है एक साथ अच्छी तरीके से वेल कम्बाइन हो सके और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकूँ। और जो अच्छा खासे चटके लग चुके हैं, बिकॉज़ आपको जब भी आप जूर को ऐड कर रहे हो उसको पका रहे हो तो आपको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इलायची भी जो है ले ली है, तो मैं सबसे पहले खजूर निकाल देती हूँ। इसको मैं अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ, बिकॉज़ ये कैसे ना बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त, तो स्प्रेड करने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तब तक जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून या फिर 1 टीस्पून से थोड़ा कम इलायची की पाउडर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी ओट्स, तो ओट्स जो है मैं यहाँ पर आधा बाउल आप देख सकते हो, आधा बाउल मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा ये एटलीस्ट ठंडा हो जाएगा ताकि हम इसको हाथ लगा सके। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है। खजूर में अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ओह, इट्स टू हॉट। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कंबाइन करने के बाद अब जो है मैंने अपने दोनों हाथों को जो है घी से ग्रीस कर लिया है, इवन अपनी प्लेट को भी ग्रीस कर लिया है एंड थोड़ी थोड़े पोर्शन में जो है मैं इसको लड्डू का शेप देना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पून है आप स्पून की हेल्प से भी ले सकते हैं मिक्सचर, ताकि आपके लड्डू जो है इक्वल साइज़ के बन सके। सो ये देख लीजिए यहाँ पर मेरा लड्डू जो है बनकर तैयार है एंड इसी तरीके से मैं बाकी सारे लड्डू जो है बना लूँगी। एक और लड्डू मैं आपको बना के शो करूँगी एंड उसके बाद जो है मैं 1 बाय 1 करके अपने सारे लड्डू बना के आपको बताऊँगी। ये लड्डुओं में जो भी नट्स मैंने यूज़ किए हैं आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो एंड बिलीव मी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं एंड आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में। लगेगा हेवन।
सच में जो मुंह में जाने के बाद ड्राई फ्रूट्स का ब्लास्ट हुआ है ना, जितना सॉफ्ट उतना ही चुई उतना ही क्रिस्पी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्राई फ्रूट्स। एंड ये लिटरली बहुत मज़े का बना है, डेफिनेटली आपको इसको एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। सो गाइज़, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपको रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। अगर मैंने ये रेसिपी में कोई चीज़ मिस की है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी रेसिपी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकूँ। इसके अंदर मैंने वैसे मेरा थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, मेजरमेंट्स भी मैंने अपने हिसाब से आगे पीछे किए हैं, आप चाहें तो आप भी अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। सो इतनी तो यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। एंड रेसिपी को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। एंड मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए।